दिल्ली के शिक्षा सचिव अशोक कुमार जी, डायरेक्टर एजुकेशन भूपेश जी, इस क्षेत्र के एमएलए प्रहलाद सानी जी, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर मैडम कर्णम मलेश्वरी जी, यहाँ के सभी ऑफिसर्स, कोचेस, टीचर्स, स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज अभी आपका पूरा दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल देखा और देख के इट वॉज रियली एन आई ओपनर। और मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जिन जिन लोगों ने इस शानदार फैसिलिटी को क्रिएट किया, इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया। जब कुछ साल पहले हम लोगों ने इसको सोचा था, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को, जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा और मैंने बताया, उस टाइम हमारे मन में यही होता था कि 140 करोड़ लोगों का देश है और जब ओलंपिक्स होते हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स, तो हम मेडल्स के मामले में सबसे नीचे आते हैं। एक एक मेडल के लिए हम लोग तरसते हुए दिखते हैं और ऐसे लगता है जैसे चाइना, अमेरिका सारे मेडल वो ले गए। हमारे में क्या कमी है, हमारे में किस चीज की कमी है? 140 करोड़ लोगों के देश में कोई टैलेंट की तो कमी है नहीं, टैलेंट तो बहुत है। जैसा मैंने बताया, ट्रैफिक लाइट पे मैंने कितनी बार देखा और उस टाइम मेरे मन मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो बच्चे जो हैं, इतनी फ्लेक्सिबल उनकी बॉडी होती है जो ट्रैफिक लाइट पे वो करके दिखा रहे होते हैं। सो टैलेंट गरीबी पैसे का मोहताज नहीं है, टैलेंट किसी के पास भी हो सकता है, पैसे वाले के पास भी हो सकता है, गरीब के पास भी टैलेंट हो सकता है। इनफैक्ट हमारे गांव के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन आज तक कभी उस टैलेंट को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अगर उस टैलेंट को सपोर्ट कर दिया जाए तो हम दुनिया के किसी भी देश को स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स के इवेंट्स के अंदर हरा सकते हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने केवल और केवल एक ही मकसद से दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है, ओलंपिक में मेडल लाने के लिए। तो आप सब लोगों को उसी एक मकसद से काम करना है कि सबको ओलंपिक में मेडल लाने की तैयारी करनी है, ये हमारा मकसद है। हमने दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है, लेकिन यूनिवर्सिटी का जो प्रारूप है, हम बहुत बड़ा विजन है हम लोगों का, उसमें 2500-3000 स्टूडेंट्स होंगे, 80 एकड़ के अंदर वो यूनिवर्सिटी मुंडका में बनेगी। उसमें 2-3 साल लग सकते हैं, 3-4 साल लग सकते हैं, लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि तब तक दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल यहाँ पे बनाया गया और आज यहाँ पे 10 ओलंपिक स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी जब मैं घूम रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कोचेज के साथ जब मैंने बात की तो हर कोच के अंदर ये कॉन्फिडेंस था। कुछ ने कहा सर 2028 में जरूर एक ना एक मेडल आपको ला के देंगे, 2032 में हम आपको मेडल्स ला के देंगे। तो जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब सबके दिमाग में टारगेट बड़ा क्लियर है, अर्जुन की आंख की तरह कि भाई हमें ओलंपिक में मेडल लेके आना है, और वो कॉन्फिडेंस है कि हम उसकी तरफ काम कर रहे हैं और हम आपको मेडल ला के देंगे। जैसा अभी आतिशी जी ने बताया, जब हम वेट लिफ्टिंग के सेक्शन में गए तो मैडम कर्णम मलेश्वरी ने जी ने कहा कि जब वो अपने टाइम में ट्रेनिंग किया करती थी और संघर्ष कर रही थी तो उनको इस तरह की फैसिलिटीज नहीं मिली। तो यहाँ पे आपको बेस्ट फैसिलिटीज मिल रही हैं, बेस्ट कोचेज मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे बेस्ट न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि आप सब लोगों को अब ये देश की जो इच्छा है, आप लोगों के ऊपर देश सारा पैसा खर्च कर रहा है, जितने भी पैसे की जरूरत है आपकी सारी फैसिलिटीज फ्री हैं। जो जब देश आपके लिए पैसा खर्च कर रहा है, अब आपको भी वो जो ट्रस्ट देश ने आपके अंदर दिखाया है वो ट्रस्ट आपको पूरा करना है, और आपको दिन रात मेहनत करके ये सपना देश का पूरा करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा, अभी 10 ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं, इसके बाद जो यूनिवर्सिटी बनेगी उसमें 20 ओलंपिक स्पोर्ट्स होंगे, इन 20 ओलंपिक स्पोर्ट्स के अंदर सारे मेडल अपने को ओलंपिक्स के हमारे पास आने चाहिए। आप लोगों को बहुत ग्रुएलिंग टेस्ट से गुजर के आप यहां पहुंचे हैं, कई सारे लेवल्स के टेस्ट हुए और उसके बाद कंपटीशन हुआ, उसके बाद बता रहे हैं 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस आई थी, उन 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस में केवल 172 बच्चों को चूज किया गया। तो इसका मतलब मैं समझता हूँ आप क्रीम ऑफ क्रीम है,
और एक तरह से छठी सातवीं आठवीं के बच्चों को इस लेवल पे जब हमने आपको निकाला है, चूज किया है और आपको अंत तक इंटरनेशनल लेवल पे जब तक आप खेलते नहीं है हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। तो अब आपको मेहनत करनी है, अब आपके ऊपर है कि जो ट्रस्ट देश ने आपके अंदर दिखाया वो आपको पूरा करना है। और अभी एक बच्ची ने पूछा कि आप हमारी कैसे मदद करेंगे, हमें स्पोर्ट्स नहीं आता, ना मुझे आता, ना आतिशी को आता और ना हमारे डायरेक्टर एजुकेशन को आता और ना सेक्रेटरी। स्पोर्ट्स आप लोगों को आता है, स्पोर्ट्स कर्नम मैडम को आता है, मलेश्वरी मैडम को आता है। आप हमें जो बताएंगे कि हमें ये चाहिए, हमारे को ये फैसिलिटी चाहिए, हमारे को ये और चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ये हमारा कमिटमेंट है कि आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन बताना आपको पड़ेगा। आज मैं आपको कहूं मैं ये करूंगा, मुझे तो पता ही नहीं कि स्पोर्ट्स क्या होता है, मुझे तो एबीसी नहीं आती रेसलिंग की, मुझे तो एबीसी नहीं आती टीटी की, मुझे तो एबीसी नहीं आती लॉन टेनिस की, पर हमारा कमिटमेंट है। कमिटमेंट इसलिए है कि हमें यकीन है कि आप हमें ओलंपिक्स के अंदर एक दिन भारत का नाम रोशन करके दिखाएंगे। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लगा और ये सारी फैसिलिटीज देख के बहुत अच्छा लगा। इतने कम समय के अंदर, मात्र 4 से 6 महीने के अंदर आपने नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे इतने सारे मेडल जीत लिए, वो एक हमें भी हौसला देता है और आपको भी हौसला देता है कि भविष्य के अंदर हम बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर फॉर मोटिवेटिंग अस, योर वर्ड्स आर रियली सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। Now, I would like to request a respected director of education, sir, Bhupesh Chaudhary.